हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं अप्लाइड मेथड को, जिसमें हम आप लोगों से लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट और बचा है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है ही आता है, उसको भी मैं जल्द ही डिस्कस कर लूँगा। लेकिन उससे पहले जो भी आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा रखा है, वहाँ से आप लोगों का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है दोस्तों ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों की चीज़ें जो है पूरी जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम लेक्चर 4 पे पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है, उन सारे लेक्चर्स को आप लोग अटेंड कर सकते हो और जो कि आप लोगों को यूट्यूब पर ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एप्लीकेशन पे अपने क्लास को इनरोल नहीं किए हैं, जल्दी से क्लास को इनरोल कर लेंगे। शेड्यूल आप लोगों का कम्प्लीटली दे दिया गया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके अपने क्लास को आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो। कम्प्लीट कोर्स की मैं फीस की बात करूँगा दोस्तों, तो केवल और केवल 199 रुपये में आप लोग कम्प्लीट कोर्स को कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही मिनिमल फीस में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप लोगों का डेली आप लोगों की लाइव क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आप लोगों को मैथ का रिकॉर्डेड क्लासेस बोला था। ठीक है, चलेगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों को बैच के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप लोगों को केवल और केवल 199 रुपये में कम्प्लीट कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें आप लोग क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। ठीक है, मशीन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EEEM, इन्वायरमेंटल स्टडीज रहेगा दोस्तों, EIM भी रहेगा और यहीं पे हमारा मैथ 3rd भी रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग केवल और केवल 199 रुपये में पा सकते हो दोस्तों। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस बैच को ज्वाइन करने का, कि इसमें आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, यानी लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है भाई, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर आप लोग को लाइव मिलेगा क्लास। ठीक है, लाइव क्लास और प्लस आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। ठीक है, यानी BOD बोल सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड है, समझ लीजिए रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डेड यानी लाइव क्लास तो आप लोगों का चल ही रहा है, जिसमें हम आप लोगों से मशीन और डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों का क्या है भाई, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम आज चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 लेक्चर हुआ है दोस्तों, यहाँ पे पीछे ध्यान रखिएगा, 2 लेक्चर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 2 लेक्चर, यहाँ पे आप लोगों का 3 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे 3 लेक्चर। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं बात करूँगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप लोगों का 3-4 लेक्चर हो चुका है यहाँ पे भी। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो आप लोगों का 4th लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 रहेगा आपका मैथ के लिए। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और आप लोग जो बुक है दोस्तों, इस बुक को आप लोग जरूर प्रीफर करिएगा, जिसमें हम आप लोगों को एशियन पब्लिकेशन की बुक है मेरे पास। ठीक है, बेसिकली इस बुक से आप लोग अगर देखेंगे दोस्तों, तो अच्छा खासा क्वेश्चन और ढेर सारा क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो यहाँ से आप लोग जरूर इसको देख सकते हो। ठीक है, आइएगा हम बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर इसमें 1 क्यों नहीं लिए सर, इसमें है अव्यूह तथा सारणी को, दोनों को परिभाषा की मतलब इन दोनों की परिभाषा दीजिए और इन दोनों में भेद लिखिए, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स हमें पढ़ना है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर में भाई, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीज़ें हमें पता होनी चाहिए भाई, ये 2 नंबर में आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, निम्न अव्यूहों का योग व अंतर ज्ञात करो। ठीक, अंतर यानी मतलब होता है दोस्तों घटाना, योग मतलब होता है जोड़। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमने क्या बताया था, ए प्लस बी लिखिएगा और दोनों मैट्रिक्स को लिख के ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है दोस्तों, 3 है, 5 है, 5, 0, -4 है। ठीक है, ये पहली मैट्रिक्स हुई, इसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम एडिशन ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 है, 1, 4, -2 और 0, 3, -1 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है दोस्तों। हमने एडिशन को बताया था, इसको ये वाली पंक्ति को, ठीक है, यानी ये वाला जो एलिमेंट होगा इसको इससे ऐड कर देना है। ठीक है, देखिएगा कैसे किया जाता है, सिंपल से वे में देखिएगा। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइएगा यहाँ पे आइएगा और इसका इसके साथ, ठीक है, यानी ए वाले 4 का साथ इसके साथ एडिशन कर दीजिएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा सर। यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई, ये 5 है और ये माइनस का 2 है, तो कितना करेंगे, तो जोड़ेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 और -2 है, देखिएगा प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कम्प्लीटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पे जीरो को ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल से वे में 5 ही रहेगा, यहाँ पे जीरो और प्लस 3 तो यहाँ पे देखिएगा 3 ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा मेरे भाई, माइनस 4 है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, माइनस 4 है और इधर माइनस 1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन बड़ी वाली साइन को लिखा जाता है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों माइनस के 5 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ए प्लस बी का जो एडिशन है दोस्तों कितना होगा, हमारा सिंपल से वे में इतना हो जाएगा, इसे आंसर कर सकते हो। और बाकी चीज़ जो आप ही हमने आप लोगों को बताया है इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे किया गया है कि योग तो आप लोगों को बताना ही है, लेकिन अंतर भी आप लोगों को स्पष्ट करना है, ठीक है, आइएगा अंतर को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी को देखा, अब देखिएगा ए माइनस बी कैसे निकलेगा, ठीक है, चीज़ें ऐसे ही आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगी दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मैं बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अगर मैं बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने लगाऊंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, आपके बुक में टोटल क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 79 क्वेश्चन है। अगर मैं 79 क्वेश्चन को टोटली डील करने लगूंगा तो आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी हो जाएंगी। तो मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों को ना समझ में आए या ना आए, वही चीज़ों को मैं बताऊंगा, ठीक है, आइएगा। ए माइनस बी, अब देखिएगा सारी चीज़ों को जैसे जैसे मैंने लेकर चला हूँ वैसे वैसे चीज़ों को बताऊँगा, बाकी चीज़ें आप लोगों को एच डब्ल्यू में मिल जाएगी, ठीक है, आइएगा। इसको फिर से लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर रहेगा मेरा 5, ठीक है, यहाँ पर 5, 0 और माइनस के 4, ठीक है। अब क्या करना है, हमें घटाना करना है दोस्तों, तो माइनस है यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाइएगा, बी की वैल्यू को पूरा पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 1 है, 4 है, माइनस के 2 है, यहाँ पे कितना है, 0 है दोस्तों, 3 है और माइनस के 1 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इतनी चीज़ों को हम घटाएंगे तो घटाना आप लोगों को आना चाहिए मेरे भाई, माइनस प्लस में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है, आइएगा। 2 में से 1 घटा देंगे दोस्तों, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलेंगे सर 1 आ जाएगा, आइएगा। 3 में से दोस्तों, 3 में से यानी 3 है और इसमें से माइनस 4 को घटाना है तो बोलेंगे सर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे माइनस 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा मेरे भाई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 5 है, 5 में से माइनस 2 और माइनस का साइन रहेगा दोस्तों, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों, ये वाला माइनस जो है इस वाले माइनस को, ठीक है, ये वाला माइनस जो है इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, आइएगा। यहाँ पर आइएगा दोस्तों, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, इस बात को ध्यान दे ही होंगे, और 0 माइनस से क्या कर देंगे, देखिएगा 0 माइनस के 3 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हम माइनस के 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस 4 है दोस्तों, और यहाँ पे कितना है, माइनस साइन पहले से ही है, और दोस्तों एक माइनस हमारे पास यहाँ पे है, तो ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, तो यानी माइनस के 4 और प्लस के 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस के 3 आ जाएगा, आंसर यही हमारा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। आई होप यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ, अगर कष्ट हुआ है मेरे भाई तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आप लोगों का जोड़ नहीं आता है, ठीक है, अब यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं भाई, जोड़ आता होता तो आप लोगों को दिक्कत होता ही ना, ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलेगा दोस्त, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल से वे में वही है, जोड़ घटाने वाली काम किया गया है यहाँ पे, ठीक है, आइएगा। सबसे पहले हम जोड़ वाले पोर्सन को देख लेते हैं, पेन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है सर, आइएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग एक चीज़ पढ़े ही होंगे, भाग जोग, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या पढ़े हैं आप लोग, भागु जो घ। अब देखिएगा इसको तो पढ़े होंगे, भा मतलब होता है दोस्तों भाग, गु मतलब होता है दोस्तों गुणा करना, ठीक है, जो मतलब होता है जोड़ करना, और घ मतलब होता है घटाना करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक सीरीज आप लोगों को पहले आप लोगों ने हल किया होगा, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन को, तो उसमें आप लोग लगाते हैं भाग जोड़। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखिएगा, हमें भाग और गुणा नहीं, यहाँ से देखिएगा कभी कभी गुणा भी रहेगा तो यहाँ तक आप लोगों को दे दिया जाएगा, लेकिन भाग नहीं रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले इस वाले सीरीज में क्या करना है, सबसे पहले जोड़ना है उसके बाद घटाना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आप लोग बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बचपन की वो कहानी है, मेरी याद में आज, आइएगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया भाग योग से आप लोगों को सबसे पहले जोड़ करना है, ठीक है, आइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जोड़ कर देना है। जोड़ कैसे करोगे इस बात को ध्यान रखिएगा, जोड़ है मेरा तो यहाँ पे आ जाइएगा,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जोड़ के, ठीक है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, तो दो में जीरो जोड़ देंगे दोस्तों, दो हो जाएगा, ठीक है। आइएगा तीन को एक के साथ जोड़िएगा, इसको इसके साथ ऐड करिएगा, तो कितना हो जाएगा, तीन और एक कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे माइनस एक है सर, और यहाँ पे माइनस ग्यारह है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, मैंने अभी इस चीज़ को बताया, माइनस एक को माइनस ग्यारह के साथ जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है दोस्तों इस प्लस को माइनस कर देगा, यानी माइनस एक माइनस ग्यारह हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा माइनस के बारह। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं दोस्तों माइनस के बारह, ठीक है। आइएगा तो इसका हमने इसके साथ किया, अब सिंपल से मैं वही बात फिर से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, और इस वाले जीरो के साथ, आठ के साथ, ठीक है। तो वही कर दीजिएगा, छत सात छः कितना हो जाएगा दोस्तों, तेरह हो जाएगा, आइएगा तेरह हो जाएगा, और दो और तीन कितना हो जाएगा दोस्तों जोड़े पे, तो ये हो जाएगा पाँच, दो तीन पाँच होगा, और जीरो और माइनस के आठ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस के आठ हो जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस प्लस में आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी दोस्तों, तो आप लोग फिर से इस क्लास को देखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा तीन और एक, तीन और दो कितना हो जाएगा दोस्तों, फिर से हमारा पाँच हो जाएगा, यहाँ पर पाँच लिख लीजिएगा, और दोस्तों चार और माइनस के, अगर चार और माइनस के करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। छः और माइनस एक कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा तो यानी घटना ही घटना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा पाँच हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ समझने की बातें नहीं है, ठीक है इसमें, ठीक है। चलेगा इन चीज़ों को इरेज कर देते हैं भाई, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसमें, नहीं तो सर ये कहाँ से आ रहा है, माइनस प्लस समय दो दो दिखने लग रहा है, तो दो दो ना दिखे इसके लिए हम इरेज कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हमने अभी क्या किया है, जोड़ किया, अब हमें क्या करना है मेरे भाई, अब हमें घटाना करना है इसके साथ, ठीक है, फलाने के साथ हमें फलाने का क्या करना है, घटाना कर देना है, यानी माइनस कर देना है इसको, इस पूरी वैल्यू को फिर से लिख लीजिएगा, यहाँ पर तीन लिखना है, माइनस के छः लिखना है मेरे भाई, और एक लिखना है, ठीक है, और क्या लिखना है, माइनस के आठ लिखना है, चार लिखना है, एक लिखना है, पाँच लिखना है, माइनस के चार लिखना है, और एक लिखना है, ठीक है। आइएगा घटा दीजिएगा दोस्तों, घटाना तो आप लोगों को आता ही होगा। देखिएगा दो में से दोस्तों कितने को घटाना है, देखिएगा दो माइनस के तीन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के एक आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम माइनस के एक लिख देते हैं। चार है दोस्तों, यहाँ पे चार है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी लगाइएगा, और माइनस के आठ को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस जो है दोस्तों इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी चार प्लस क्या हो जाएगा, आठ, और आठ चार कितना होता है, आप लोग बखूबी जानते होंगे सर, आठ और चार कितना होता है, बारह होता है, ठीक है। आइएगा मेरे भाई, माइनस के बारह है, यहाँ पे देखिएगा माइनस के बारह है, और यहाँ पे देखिएगा तो सर घटा रहे हैं, तो घटाएंगे कितने को, पाँच को, तो यहाँ पे देखिएगा माइनस बारह और माइनस पाँच कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के सत्रह हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के सत्रह, ठीक है। आइएगा यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तेरह है, तेरह माइनस के कितना है, माइनस का छः है दोस्तों, ठीक है, ये वाला माइनस जो है इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी तेरह प्लस क्या हो जाएगा, छः, और तेरह छः कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उन्नीस लिख देंगे। चीज़ें आप लोग देखते रहिएगा, जो जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, पाँच है दोस्तों, और पाँच में से देखिएगा, यहाँ पर लिखता हूँ पाँच, माइनस के चार कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। देखिएगा माइनस के आठ है, तो लिखिएगा यहाँ से और चीज़ों को इराइज कर देते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता चला जाएगा आप लोगों को। चलेगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कितना है, माइनस के आठ है, देखिएगा माइनस के आठ लिख देते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन पहले से ही है, और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जब यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पे माइनस चार है, ठीक है, यानी माइनस चार है, और दोस्तों ये माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे माइनस आठ और ये प्लस चार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के चार हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के चार आ जाएगा, ठीक है। आइएगा यहाँ पे आ जाइएगा दोस्तों, पाँच में से एक चला जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, यहाँ पे आ जाइएगा, तीन में से एक जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और पाँच में से एक चला जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यही सेम टू सेम यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में दो नंबर में पूछा गया है, ठीक है, कितने नंबर में, दो नंबर में पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो नंबर या क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, जोड़ घटाना माइनस वाले में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर माइनस प्लस में दिक्कत होगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही दुखद बात है भाई, और क्या कहा जा सकता है। आइएगा अब क्वेश्चन का भंडारा लगने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन को समझिएगा सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे आप लोग एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और दो नंबर में पहला वाला क्वेश्चन रहेगा, 2006 में जो आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये दो नंबर में रहेगा,
ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिएगा ये आप लोगों का 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला 5 नंबर में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, 5 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 नंबर में आ जाएगा और ये सारी चीज़ें जो होंगी दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे जोड़ ही घटाना तो है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी को करेंगे, फिर लास्ट में सी को जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ें हमारी बहुत सिंपल है दोस्तों, हम इस वाले क्वेश्चन को जरूर बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को हम बताएंगे, इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ ही करना है आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग घटाना ही करना है। यहाँ पे भी आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन करा दूंगा तो दोनों क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, यानी पूरे क्वेश्चन को मैं नहीं कराने वाला हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा क्वेश्चन तो आपको ही करना है ना भाई, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे अच्छा नंबर आएगा, आप लोग ही बताइएगा। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं आएगी, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं उन चीज़ों को जरूर डिस्कस करूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। 4 में रहेगा दोस्तों, ये हमारा लिखा गया है यदि ए इक्वल टू कितना था दोस्तों, ए इक्वल टू है, आप लोगों को इसलिए दे दिया गया है ताकि आप लोगों को अगर बुक नहीं है तब भी आप लोग क्वेश्चन को देख पाओ और चीज़ों को कर पाओ। यहाँ पे 1 है 3 है और 4 है, मेरे पास बुक है भाई, मैं बुक से ही लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे तुरंत क्वेश्चन याद हो गया। और बी बराबर हमारे पास कितना है, बी बराबर है दोस्तों 3 है 7 है और 4 है और 8 है दोस्तों। तो हमें क्या कहा गया है, पूछा गया तो दिखाइए, तो दिखाइए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ये दोनों क्या बराबर होंगे या नहीं होंगे, अगर दोनों बराबर हैं दोस्तों यही हमें क्या करना है, दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले क्या करना है, LHS, इसे हम LHS बोलेंगे दोस्तों, इसे हम LHS बोलेंगे, इसे हम RHS बोल देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें आप लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। आइएगा, जब इतने क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हो तो इसके आगे के क्वेश्चन को भी समझ लीजिएगा। ए प्लस बी सबसे पहले निकालिएगा, तो ए प्लस बी हमारा आ जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी इक्वल टू ए वाले डाटा को लिखिएगा, 1 है 3 है 2 है और 4 है, ठीक है, प्लस करिएगा। बी वाले डाटा को लिखिएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 3 7 और 4 और 8। दोस्तों मैं इसी को सिंपल से वे में यहाँ ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिएगा कैसे, हमने बताया इस वाले को इसके साथ, ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 4 हो जाएगा सर। और देखिएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 9 हो जाएगा। माइनस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में सारी वैल्यू जो है प्लस में है, तो हमें घटाने वाला कोई काम ही नहीं है। देखिएगा 3 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 3 7 होता है। और देखिएगा 8, देखिएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको हम बोल देंगे दोस्तों LHS बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या आया है, LHS आया है, ठीक है। RHS में हमारा क्या है दोस्तों, बी प्लस ए है, सॉरी बी प्लस आई, हाँ बी प्लस ए ही है। तो इसको कैसे निकालोगे, सबसे पहले b वाली वैल्यू को लिखिएगा। देखिएगा अगर a b उल्टा सीधा कर देंगे दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगा, सबसे पहले जैसे बोला गया है वैसे ही लिखिएगा। तो b वाली वैल्यू को लिखिएगा, 3 है 7 है और 4 है 8 है, ठीक है, प्लस करिएगा। प्लस में यहाँ पे देखिएगा अब a वाली वैल्यू को लिखिएगा, यानी b प्लस ए है तो a वाली वैल्यू को लिखिएगा, 1 है 2 है 3 है 4 है। देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा हमें क्या RHS में हमें कम्प्लीटली चीज़ें सेम मिलती हैं। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 9 हो जाएगा सर। देखिए 4 और 3 कितना होना चाहिए दोस्तों, 7 होना चाहिए। और 8 और 4 कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 12 हो जाना चाहिए। ये दोस्तों हमारी बातें हुई RHS की। अब हम क्या देख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो देखेंगे दोस्तों 4 9 7 12 है, 4 9 7 12, यानी हमारा कह सकते हो दोस्तों हमारा LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। और जैसे ही इतना करोगे दोस्तों आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ के चलना है, मान लीजिए 3 नंबर में ही पूछा जाता है तो इतना आपको मिलेगा ही, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, इतना कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आइएगा आगे की क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करना चाहूँगा, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है। 5 को दिखा देता हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल है, 5 को तो आप लोग कर ही लेना है, क्योंकि ए प्लस बी करना है, ए माइनस बी करना है, इनका मान बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग बता देता हूँ कि कैसे होगा, बेसिकली ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दोस्तों, पी इक्वल टू दिया है आप लोगों के पास, मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 है 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे 0 है, 8 है और 9 है, ये पहली मैट्रिक, यानी ये हमारे पी की वैल्यू हुई। और क्यू की वैल्यू जो दिया है दोस्तों, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है 0 है और 3 है 3 0 5 है 5
5, 7 और 0 है। तो हमें पूछा क्या गया है मेरे भाई, हमें पूछा गया है यहाँ पे आप लोगों से कि 2p माइनस के 3q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यही वैल्यू हमें पूछी गई है, इसका मान कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस सिंपल से वे में क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा 2p माइनस 3q लिख देना है, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले 2 लिख लेना है यहाँ पे, अब p की वैल्यू को पुट कर देना है, यहाँ पे p की वैल्यू को पुट करना है, तो p बराबर हमारा जितना है उतना लिख लीजिएगा, 2100258 है दोस्तों, और कितना है 379 है, ठीक है। और माइनस क्या करना है, माइनस लिखिएगा, 3 है दोस्तों, 3 लिखिएगा, और q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो 2 है, 0 है, 3 है, और 305 है, यहाँ पे 5 है मेरे भाई, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये 2 का सभी में गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें सभी में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइएगा, गुणा करने का तरीका आप लोगों को पता ही होना चाहिए, सबसे पहले मैं नहीं पता है तो मैं सिखा दूंगा दोस्तों। 2 का गुणा इनमें करिएगा, इनमें सारी चीज़ों में 2 का गुणा करिएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। और 7 × 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा दोस्तों। 8 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 16 हो जाएगा सर। और 9 × 2 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 18 है। 8 × 2 = 16 सर, 18 क्यों लिख रहे हो, यहाँ पे 16 लिखिएगा, ठीक है। आइएगा, माइनस लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 का भी गुणा कर दीजिए, था 3 का गुणा करिए मेरे भाई, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 5 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, यहाँ पे 0 0 दोनों हो जाएगा, ठीक है, 0 0, और 7 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, और देखिए 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, इस 5 का गुणा इसमें करिएगा 3 में, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 बोलिए, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, घटा दीजिएगा, घटाना तो आप लोगों को आता ही है मेरे भाई। तो घटाना कैसे होगा, 2 में से 6 जाएगा, यानी 2 − 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर यहाँ पे −4 हो जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलिएगा आएगा या नहीं आएगा, सभी स्टूडेंट बोलेंगे भाई, इतने में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर इतने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जरूर बताएंगे, दिक्कत हुआ क्या, तो कितना जाएगा, −4 आ जाएगा, ठीक है, −4 हो गया। अब देखिए ये 4 है दोस्तों, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा हमारे पास, और देखिएगा ये 6 है और ये 9 है, 6 − 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, −3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के हम 3 लिख देंगे, ठीक है, 0, और देखिएगा 0 − 9 करेंगे, 0 − 9 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, −9 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, −9 हो जाएगा। 10 माइनस कितना करेंगे, 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वहीं 14 − 15 कर देंगे, ठीक है, 14 − 15 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा −1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, −1 आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी चीज़ें आप लोग क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं दोस्तों, ये 0 है, 0 − 15 करेंगे, 0 − 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर −1 − 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के आप लोग 15 लिख सकते हो। देखिए ये 16 है दोस्तों, 16 − 21 करेंगे दोस्तों, 16 − 21 करोगे तो माइनस में हमारे कितनी आएगी वैल्यू, 16 × 4 = 20 और 5, −5 आ जाएगी, ठीक है, कितना आ जाएगी, −5 आ जाएगी, घटा के देख सकते हो −5, 18 − 0 करेंगे दोस्तों, 18 − 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो होगा दोस्तों, ये हमारा कम्प्लीटली सोल्यूशन हो चुका है इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो कम्प्लीट सोल्यूशन था यही था दोस्तों, और इतना मुझे नहीं लगता कि इतना आप लोगों को नहीं आता होगा, सभी स्टूडेंट्स को आता होगा भाई, इतना तो आप लोगों को मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ कि अगर इतना भी नहीं आएगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, मैं आप लोग कैसे पास करा पाऊँगा, ठीक है। और आप लोग मशीन की प्रॉपर वे में क्लासेस देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है 2p − 3q आई है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है भाई तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे तब तो और सोने पे सुहागा वाली बातें हो जाएंगे। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। देखिएगा यहाँ से आप लोगों को ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं चीज़ें एक बार फिर से एक्सप्लोर कर देता हूँ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, ये भी तो हो गया, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 है जो, ये भी आप लोग कर लोगे, बस यहाँ पे p + q, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रख के हल कर देना है, जोड़ना घटाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बार a + b को जोड़िएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, a + b को जोड़िएगा, a + b की जो वैल्यू आएगी उसको c के साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एक पार्ट तो हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद क्या करना है, ए वाले पार्ट को होल्ड कर यहाँ RHS में, ये तो हमारा LHS वाली बातें होंगी,
और RHS में क्या करना है मेरे भाई, RHS में ए वाली वैल्यू को पूरा रखे रहिएगा, ठीक है, यानी ए वाली वैल्यू रहेगी ही, प्लस बी और सी वाली वैल्यू को हमें जोड़ देना है, ठीक है, बी और सी को जोड़ना, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि सबसे पहले यहाँ कोष्टक वाले को हल किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे चीज़ों को करोगे तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा या क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है, चलेगा। अब दोस्तों मैं आगे चलना चाहूँगा, आगे की क्वेश्चन को देख बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। आइएगा दोस्तों हम क्वेश्चन की आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है इसको समझिएगा, ठीक है। 8 में कहा गया है कि x प्लस टू वाई बराबर हमारे पास है कितना है दोस्तों, मैट्रिक्स में लिखी गई है वैल्यू, लिखी गई है दोस्तों 3 8 4 6 है, ठीक है। और x देखिए ये तो पहला हुआ, और 2x माइनस के y इक्वल टू हमारे पास दिया है दोस्तों, कितना दिया है भाई, ये दिया है हमारे पास 6 माइनस के 4 और 3 दिया है और 7 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से x और y की वैल्यू को पूछा गया है, ठीक है, x y का मान पूछा गया है, तो इसको कैसे निकालोगे यही मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा आज, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, चीज़ों को आराम से देखना है, बहुत सिंपल है भाई, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, दो इक्वेशन आप लोग जैसे इंटर हाई स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। क्या पढ़ते थे सर, हम लिखते थे एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू लिखते थे सर, जो हमारे यहाँ पर डाटा होता था। तो यहाँ पर डाटा क्या है आज के समय में, तो आज है 3 8 और 4 6 है, ठीक है, ये दोनों ही डाटा तो है दोस्तों। अब देखिए इसके बराबर हमें क्या लिखना है, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 2x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यही जो हमारे पास इस आज के समय बचा हुआ डाटा है, यानी ए वाली पूरी वैल्यू को लिख देना है, 6 माइनस के 4 और 3 और 7 लिख देना है। बताइएगा यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत हुआ क्या, मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण में आप लोगों को मैंने क्या किया है, जो एग्ज़ाम आप लोगों को पेपर में दिया था या क्वेश्चन जो भी आप लोगों का दिया था उसी को सेम टू सेम मैंने उतार दिया थोड़ा अपने ढंग से, ठीक है। आइएगा दोस्तों हमें करना क्या होता है, या फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, या फिर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, या फिर इस समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसी समीकरण में हम करते हैं, समीकरण दो से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 में ही हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों पक्षों में करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष में आप लोग गुणा कर देना है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे देखिएगा ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा और माइनस का 2y बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को लिख दूँ क्या दोस्त, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख दूँ क्या, बताइएगा, मैं इसको लिख दूँ ऐसे कि अगर 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, चले गए एक लाइन और लिख देते हैं नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4x माइनस के 2y, अच्छा इसमें भी दिक्कत हो जाएगा सर, आपने घसीट के लिख दिया, अलग अलग लिखिए, चलेगा 2 × y हो जाएगा। अब सही है भाई, बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी गुणा कर लीजिए यहीं पे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और देखिएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, और 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, गुणा में कहीं गलती तो नहीं हुआ, तो 6 × 12 है सो 10, 6 × 12 है सर, और 4 × 8 है, -8 लिखा गया है, और 3 × 6 और 7 × 14 सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बच गया इक्वेशन। अब दोस्तों ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास जो है पहला वाले इक्वेशन को लिख लीजिएगा, x प्लस टू वाई है, और यहाँ पे उसके जो मैट्रिक्स में वैल्यू लिखी है उनको लिखिएगा, 3 है 8 है 4 है और 6 है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या करते थे आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आप लोग यही करते थे, जोड़ने पर हमारा क्या होगा, जोड़ने पर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, ए वाला डाटा और ए वाला डाटा कैंसिल हो जाता था, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों डाटा को जोड़ देते थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाता है दोस्तों, 4 और 1 ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5x बराबर क्या लिखेंगे, इन दोनों को भी जोड़ना होता है, 12 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत तो नहीं कर रहे भाई, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, और उसके बाद -8 और -8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, -8 और यहाँ पे -8 और +8 कर दोगे 0 हो जाएगा, 6
छः में से चार चला जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, एक बच जाएगा हमारा, ठीक है, सॉरी छः और चार कितना हो जाएगा, दस हो जाएगा, ठीक है, जोड़ना है ना, यहाँ पे हमें ऐड करना है, हम क्योंकि जोड़ने पर लिखे, छः और चार दस हो जाएगा दोस्तों। और देखिएगा यहाँ पे कितना है, चौदह है, और चौदह छः कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डाटा मिल जाएगा दोस्तों, हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, तो x बराबर अगर मिलना है दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले डाटा को इसमें पूरे में भाग कर देंगे, ठीक है। तो आइएगा, यानी यही चीज़ तो करते थे ना दोस्तों, आप लोग बचपन में भी यही करते थे, जैसे हमारे पास यहाँ पर 5x बचता था, यहाँ पे 15 था, तो क्या करते थे, x बराबर 15 बटे 5 लिखते थे या नहीं लिखते थे, वही चीज़ मैं आज बोल रहा हूँ कि यही चीज़ मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो सभी में भाग करना है, तो सभी में भाग करना है दोस्तों, तो 5 में 15 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 0 होगा ही, और दोस्तों यहाँ से भाग करिएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 से काटेंगे दोस्तों तो 2 बार जाएगा, और यही 5 से 20 को काटेंगे तो 4 बार मिल जाएगा, यानी हमारी जो है x की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों। तो अब हम क्या करें, y की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लें, बताइएगा आप लोग y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे जी हाँ सर मैं इसको भी रैच कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आइएगा y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम करने क्या वाले हैं मेरे भाई, x की वैल्यू हमें पता हो गई है, अब हम y की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है समीकरण, हम समीकरण एक से निकालते हैं, दो से निकालते हैं, कोई भी समीकरण से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइएगा हम लिखते हैं दोस्तों समीकरण एक से हम निकालेंगे वैल्यू को, सबसे पहले समीकरण एक को ही लिख लेना है, ठीक है, एक्स प्लस टू वाई लिख लेना है, टू कहाँ चला गया, टू वाई लिख लेना है हमें, ठीक है, हमारा हो गया ये वाली बात। बराबर कितना है दोस्तों, है 3 है, 4 है, 8 है और 6 है, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, तो बोलेंगे सर ये x जो वैल्यू, ये x वाली वैल्यू जो होगी इस साइड जब आएगी प्लस में है, इस साइड आ जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं दोस्तों टू वाई इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 3 8 4 6, और दोस्तों यहाँ पे हम माइनस में x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, बोलेंगे सर 3 आई है, 0 आई है, 2 आई है और 4 आई है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या है भाई, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 2y बराबर लिख सकते हो आप लोग, क्या आएगा देखिएगा, 3 में से 3 चला जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, 8 में से माइनस 0 घटाओगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 4 में से 2 जाएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग किसका कर देना है दोस्तों, ये 2 है, इसका भाग कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 में इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, और दोस्तों इसका भाग देखिएगा 4 में 8 में देंगे तो दोस्तों 2 8 भागे 4 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यानी x और y की वैल्यू जो होगी दोस्तों ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, ये हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं एक लाइन में फिर से लिखना चाहूँगा x और y की वैल्यू जो हमारे पास आई है मैं लिख दूंगा, ठीक है, मैं इस चीज़ को एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि सर ऐसे कैसे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वाली लाइन को मैं इस वाली लाइन को फिर से लिख दूंगा, ठीक है, आइएगा इस वाले पेज पे, अगले वाले पेज पे हम इस वाली लाइन को फिर से लिख देते हैं, ठीक है, क्या है मेरे भाई, हाय 2y इक्वल टू, हमारे पास कितना है भाई देख लेते हैं, हमारे पास है 08, यहाँ पे है 0 8 2 और 2 है दोस्तों। अगर हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे सभी में, तो भाग का मतलब होता है इसमें भी भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, इसमें 2 का 2 में भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी इन चीज़ों को आप लोग क्लियर करके चलना है कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो दोस्तों x की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या आई है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हमारे पास है 3 0 3 2 0 4, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 3 2 0 4, हमारे पास यही है ना भाई, 3 0 0 3 2 0 4, ठीक है, 3 2 0 4 आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू जो है दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, आंसर कर लेंगे इसको, इसको भी आंसर कर लेना है, ठीक है। बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे भाई, आइएगा हम आप आगे की ओर चलना चाहेंगे, x और y की वैल्यू आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार से मैं देख लेता हूँ आंसर आप लोगों का सही आया है नहीं आया, मैच कर रहा है आपके बुक से या नहीं मैच कर रहा है, बस ऐसे ही बताए चले जा रहे हैं सर आप। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की वैल्यू जो आई है, आंसर हमारा जो आया है
जो आया है, एक्स की वैल्यू 3024 आया है, 3024 आया है, ठीक है। वाई की जो वैल्यू है 0 है, 204 है, 11 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आइएगा और भी क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोगों का 8 नंबर तो हो गया है, 8 में, 9 में आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। सेम टू सेम क्या करना है, यहाँ पे 4 लिखेगा और ए की वैल्यू को रख के गुणा करके आप लोगों को बता देना है, जैसे मैंने किस क्वेश्चन को बताया, इस वाले क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया, ठीक है। सिंपल से हमें वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक बार घटाना करना है, एक बार जोड़ कर देना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में भी कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करना चाहेंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है। कौन सा क्वेश्चन अभी जो कराया हूँ, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा एडवांटेज आप लोगों को ये मिल जाएगा कि एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो डाटा लिखा गया है इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे जो डाटा है इसको कर लीजिएगा। सिंपल से वे में यहाँ पे जोड़ने पर लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ए वाला कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2x बच जाएगा, और इन दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों, जो भी मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे सब में 2 से भाग दीजिएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। आइएगा, मैं आप लोगों को 11 नंबर के क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है, क्योंकि 11 नंबर में थोड़ा सा डाउट हो सकता है आप लोगों को। और देखिएगा, मैं इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए चलूँगा दोस्तों, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर कोई भी दिक्कत भी हुआ है तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे भाई, इससे शॉर्ट में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, या इससे अच्छे तरीके से कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं हर एक चीज़ को आप लोगों के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताया, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम पूछा गया है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी सर, तो मैंने आप लोग बता दिया दोस्त, ठीक है। यहाँ पे दो ही हमारा क्या था, दो स्तंभ दो कालम थे, यहाँ पे 3 स्तंभ 3 कालम हो गए। चीज़ें हमारी सिंपल से, मेरे सारा मेथड वही रहेगा, चीज़ें कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी, ठीक है। आइएगा, मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ दोस्तों, और 11 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। सिंपल से में 11 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं सर, पेन की साइज थोड़ा कुछ अलग कर दीजिएगा। आइएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, 11 नंबर पे हम चल रहे हैं, 11 नंबर पे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दिया है दोस्तों यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है और डब्ल्यू है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग हाई स्कूल में इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सिंपल से वे में इक्वेशन ही बनेगा। यहाँ पे एक्स है दोस्तों, और यहाँ पे 6 है, माइनस 1 2w हो जाएगा, अब प्लस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है दोस्तों 4, यहाँ पे है दोस्तों x प्लस वाई है, और यहाँ पे है z प्लस w है, और यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, तो हमें पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे कम्प्लीटली हमें x y z की वैल्यू पूछी गई है, किसका, x कहाँ है भाई, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई, 3-4 वैल्यू पूछी गई, चारों वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आइएगा देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिंपल से वे में मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को चीज़ें आ जाए, ठीक है। सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इन सभी में गुणा कर देना है, ठीक है। गुणा करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3y, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3z, यहाँ पे हो जाएगा 3w हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पहली ये मेरी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। आइएगा दूसरी बात करना चाहेंगे दोस्तों, दूसरी बात रहेगी कि इस वाले डाटा को इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। एडिशन सिंपल समय में जो मेरा चलता है वही रहेगा, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, इसको करिएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स प्लस डब्ल्यू, माइनस से कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ये माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इस पे चलिएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2w प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना कर लेंगे दोस्तों, बराबर हमारा इतना, मतलब इतना हो जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी, ए वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, ए वाली वैल्यू इसके बराबर, इस वाली वैल्यू इसके बराबर। यानी कहने की बात क्या है दोस्तों, हम लिख सकते हैं 3x बराबर लिख सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, हम इस वाले x को इस साइड लाएंगे तो ये यानी 3x माइनस के x कर दोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको घटा दोगे दोस्तों तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है। 3x में से 1x चला जाएगा तो 2x बच जाएगा, यहाँ पे 4 दोस्तों इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू जो होगी हमारे पास आ चुकी है, 2 आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट हो चुकी है सर। अब हम सर क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। यानी 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस
छः हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, हमने हमने क्या बताया दोस्तों, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, इसकी वैल्यू हमारे पास टू आ चुकी है। तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली एक चीज़ तो बोल सकते हैं मेरे भाई कि अगर हम एक्स की वैल्यू को टू लिख देंगे तो हमारा क्या कुछ काम बनने वाला है या नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे लिखिएगा थ्री वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को पुट करिएगा तो टू आया है, प्लस वाई प्लस सिक्स कर देंगे, इसको इस साइड लाएंगे दोस्तों, तो यानी ये जो वाई है इस साइड आएगा, तो यहाँ पे थ्री वाई माइनस के वाई बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए चार और दो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से हमारे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो दो वाई आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, छः, काट देंगे दोस्तों, दो तिहाई छः हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तीन आ जाएगी। हमारे पास दो डाटा आ चुके हैं, तीसरा डाटा हमारे पास बचा है दोस्तों, तीसरे वाले डाटा को भी हम देख लेते हैं। जेड की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी, नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले, तभी हम क्या करते हैं आगे वाले को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आइएगा, तो टू डब्ल्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टू डब्ल्यू प्लस थ्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम थ्री डब्ल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यानी टू डब्ल्यू को इस साइड लाइएगा दोस्तों, तो थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री डब्ल्यू माइनस के टू डब्ल्यू हो जाएगा, यानी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, थ्री आ जाएगा, ठीक है। आइएगा, हमारे पास ये भी हो गया है। अब दोस्तों हम इसको वाले को इसके साथ कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड प्लस डब्ल्यू माइनस के वन इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, थ्री जेड लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ बताइएगा आप लोग, W की वैल्यू कितनी है, तीन है दोस्तों, तो Z प्लस, या Z को यहाँ से हटा दीजिएगा, ठीक है, इसको Z को हटा दीजिए, इस साइड लाइएगा, ठीक है। Z को हम क्या कर रहे हैं, Z को इस साइड ला रहे हैं, देखिएगा, यानी थ्री जेड माइनस के क्या हो जाएगा, इसको हम इस साइड लाएंगे, थ्री जेड माइनस के जेड हो जाएगा, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी है दोस्तों, बोलेंगे तीन है सर, तीन में से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे दोस्तों, दो जेड हो जाएगा, टू जेड इक्वल टू टू, और टू से टू हमारा कट जाएगा, तो यानी हमारे पास जेड इक्वल टू क्या बच जाएगा दोस्तों, वन बच जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे पास चारों डाटा आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी दोस्तों, वाई की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और जेड की वैल्यू हमारी तीन हो जाएगी, डब्ल्यू की वैल्यू तीन हो जाएगी, और जेड की वैल्यू एक हो जाएगी। इसी को आप लोग कैलकुलेशन करना था, ठीक है। तो आई होप आज के क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से देख लेता हूँ, क्या आंसर हमारे आए हैं या नहीं आए हैं, क्योंकि आंसर मैच करना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आंसर ही नहीं मैच किया तो हमारा जो है सोल्यूशन जो है गलत हो जाएगा। एक्स की वैल्यू दो है मेरे भाई, आई है सर, जेड की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो है दोस्तों कितनी आई है, यहाँ पर चार क्यों दिखा रहा है भाई, y की वैल्यू चार दिखा रहा है यार, वहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं हुआ है मेरे भाई, मुझे लगता है। अगर मैं y की वैल्यू देखना चाहूँगा, x की वैल्यू जब तीन, देखते हैं कौन कौन सा मिसमैच कर रहा है, w की वैल्यू तीन आई है और z की वैल्यू एक आई है, y की वैल्यू यहाँ पे हमें लगता है आंसर की में गलत दिया हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा, हम किसको किसको कंपेरिजन किए हैं, हमें y की वैल्यू को हमने इसको किया है दोस्तों, यहाँ से आ जाइएगा, यहाँ से देखिएगा, यही मैं लोचा रहा है ना, खुद देख लेते हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन गलत होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए थ्री वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यही है हमारा, ठीक है, यहाँ से देखते हैं प्लस छः ही है तो एक्स प्लस वाई प्लस छः रहेगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स लिख लेंगे दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास दो आ चुकी है, तो दो यहाँ पे पुट कर देंगे, छः दो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, जी यहाँ पे गलत हुआ है, छः और दो जोड़े ही नहीं भाई, छः और दो कितना हो जाएगा दोस्तों, छः और दो कितना हो जाएगा, छः दो आठ हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, तो काटेंगे तो यहाँ पे चार ही होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वाई की वैल्यू जो होगी चार आ जाएगी, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, अब आ गया ना भाई, यहाँ पे जोड़े नहीं थे हमने डाटा को, बाकी सारी चीज़ें हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आठ हो जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू दो आ जाएगी, वाई की वैल्यू चार आ जाएगी, और डब्ल्यू की वैल्यू तीन, और जेड की वैल्यू भी एक आ जाएगी, हमारा जो है आंसर है सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आइएगा आगे के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए, हमने 11 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया है। आइएगा और भी चीज़ों को मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस हो आगे चलता रहे दोस्तों। अब देखिएगा, हमने 11 नंबर क्वेश्चन को कर लिया है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको समझिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, यदि a इक्वल टू दिया है दोस्तों, a इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच है दोस्तों, यहाँ पे है दो चार छः है, और तो हमें क्या पूछा जा रहा है, तो 3a का मान बताइएगा, 3a का मान बताइएगा, इसको कर लोगे या नहीं कर लोगे, एक नंबर यह क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पर 3a की वैल्यू को रख दीजिएगा, एक तीन पाँच हो जाएगा, दो चार छः हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या करना है,
यहाँ पे इसको कूड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इसको कूड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कूड़ा करेंगे दोस्तों, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में कुछ नहीं था भाई, इसको बताना भी नहीं चाहिए था। आइएगा 13 नंबर को बात करना चाहेंगे दोस्तों। 13 नंबर में आप लोगों को मैं यहाँ पे छोटा सा समरी देते चल रहा हूँ 13 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये लिखा गया है, यदि आप यू a = दिया है, a = हमारे पास है 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, और b = हमारे पास क्या है मेरे भाई, b = है मेरे पास 5 है, 8, 6 है, 7 है और 8 है। तो हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखिएगा, तो हमें दिखाना है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। बताइए इस क्वेश्चन को मैंने कराया है नहीं कराया है। प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन में आप लोग जब मैं इसका वो बता रहा था, कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने बताया है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ए इंटू बी को कैलकुलेट करना है। ए इंटू बी को कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 1 है, 3 है, 2 है दोस्तों, 4 है, ठीक है। इसको लिखिएगा, इंटू करिएगा, यहाँ पे 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। गुणा कैसे करना है दोस्तों, इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा इसमें करना है, फिर से इसको उठाइएगा, इसमें करिएगा, ठीक है। आइएगा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। 5 का गुणा 1 में करेंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों, 15 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लस करिएगा, ठीक है। इसको लिखिएगा दोस्तों, 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इसका गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 1 में करना है, 6 का गुणा 1 में करना है दोस्तों, 6 × 1 = 6 हो जाएगा। 6 का गुणा 3 में करिएगा, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, प्लस करिएगा। इसको लीजिएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो जाएगा। 8 का गुणा 4 में करिएगा दोस्तों, 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। अब दोस्तों ये 32 हो जाएगा, तो इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। गुणा भी मैंने बता दिया। इसी प्रकार से बी इंटू ए को भी निकाल लीजिएगा, बी इंटू ए आ जाएगा आप लोगों का, कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले बी वाले डाटा को लिखिएगा, तो यहाँ पे 5 रहेगा दोस्तों, और 6 रहेगा, यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा। इंटू ए वाले डाटा को लिखिएगा, अब 1 रहेगा, 2 रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा, 4 रहेगा। ए वाले डाटा को हमने लिख दिया। यहाँ पे सिंपल से हमें गुणा करिएगा दोस्तों, दोनों का जो है आंसर हमारा सेम नहीं आएगा। देखिएगा 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी 1 का गुणा इसमें करिएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, प्लस लिखिएगा, ठीक है, प्लस रहेगा। इस 3 का गुणा इसमें पूरे में कर देना है दोस्तों, तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। और देखिएगा, और 8 × 3 कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 18 × 5 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। 18 × 5 = 23 हो जाएगा, ठीक है, 23 आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा, यानी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है, यानी इस चीज़ को बोल सकते हो दोस्तों। इसका भी गुणा इसमें करिएगा, 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और देखिएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 2 का गुणा इसमें 7 में करेगा दोस्तों, 7 × 2 = 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करिएगा दोस्तों। इसको गुणा करिएगा इसमें, यानी 6 × 2 कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 24 हो जाएगा। और दोस्तों इसको गुणा करेंगे 8 में, तो यानी 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और दोस्तों इस दोनों को देखेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, यानी हमारा यही वाला इक्वेशन जो होगा, यही हमारा जो बोला गया है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, ठीक है। बस इसमें आगे आप लोगों को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है, चीज़ों को और भी एक्सप्लोर कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैंने अभी 13 नंबर कराया हूँ, ये आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों के BTUP के एग्जाम में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कितने में, 2006 में आप लोगों का आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आगे की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, आगे भी दिया है 14 नंबर में क्या गया है, 2 अव्यय दिया है, इसका मतलब 1 और 0 अव्यय सही है ये सब। उसके बाद 15 नंबर में आएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, गुणा करने के लिए बोला गया है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा, गुणा करने के लिए पूछा गया, ठीक है। 16 नंबर में चलेंगे तो यहाँ पे भी सिंपल से हमें कहा गया है कि एक मैट्रिक्स इतना इतना, तो ए बी की गणना करें, यानी ए इंटू बी, यहाँ पे भी गुणा पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोगों को स्क्वायर करके गुणा ही पूछा गया है, बेसिकली गुणा ही है, चलेगा। 18 देखिएगा, 16 भी हो जाएगा आप लोगों से, 17 भी हो जाएगा, 16 17 भी हो जाएगा, और दोस्तों 18 भी हो जाएगा, ठीक है, 18 भी हो जाएगा। 18 में बहुत कुछ नहीं है, परिवर्त करना है, ठीक है। आइएगा इधर देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, यहाँ पे सिंपल से में जोड़ करना है, ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना ही है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर पे आप लोग देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, अपने बुक के 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। 20 में क्या कहा गया दोस्तों, यदि a इक्वल टू हमारे पास है 4, 3, 2, 5, तो दिखाइए कि
हमें दिखाना क्या है दोस्तों, दिखाना है ए स्क्वायर माइनस के 9a प्लस के 14i बराबर क्या है दोस्तों, जीरो है। आई की वैल्यू आप लोगों को पता है दोस्तों क्या होता है, आई की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होता है, तो आई की वैल्यू जो होती है दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिएगा, जिस ऑर्डर का रहेगा ए यानी 2x2 का है तो हमारा आई की वैल्यू भी 2x2 की होगी, यानी यहाँ पे 1001 ये आई की वैल्यू होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, हमें दिखाना क्या है, ठीक है, हमें दिखाना क्या है उसको सबसे पहले हम देखेंगे। तो दिखाना है सर हमके हमें क्या दिखाना है भाई, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 14i इक्वल टू जीरो दिखाना है, ठीक है। तो आइएगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कैसे निकलेगी, ए इंटू ए करके निकलेगी दोस्तों। तो ए इंटू ए यानी 4, 3, 2, 5 कर लेंगे, और यहाँ पे इंटू में करिएगा दोस्तों, फिर से वही 4, 3, 2, 5 कर लेना है, ठीक है, गुणा करिएगा। यहाँ पे मैं गुणा भी बता दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसी वाले पेज में हमारा हो जाए, ठीक है। तो 4 में गुणा 4 में करिएगा दोस्तों, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करेंगे दोस्तों, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस करिएगा। अब इसको लीजिएगा, ठीक है, इसका गुणा इसमें करिएगा तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा इस पे वाले पे लीजिएगा, इसका गुणा इसमें करिएगा तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, और देखिए इसका गुणा इसमें करिएगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस करिएगा। इसका गुणा इसमें करिएगा, 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा मेरे भाई, और 5 15 और 5 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आ गया है, ठीक है। आइएगा 16 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 6 22 हो जाएगा ना, यही तो होगा भाई, 16 6 22 हो जाएगा मेरे पास, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हो जाएगा तो हमारे पास जो है थोड़ा सा हमारा है डाटा जो है बच जाएगा, ठीक है। 16 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा 12 प्लस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ये, ठीक है, और 10 8 18 हो जाएगा, और 31 हो जाएगा ये, ठीक है। हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू जो है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हमें मिल गया है, ठीक है। अब हम इस पूरे डाटा को इसी में रख देंगे, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस के 9a प्लस के 14i में हमें रखना है, इस पूरे वैल्यू को हमें 14i में रखना है, ठीक है, इसमें पूरे में रखना है। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बोलेंगे सर 66 और 27 और 18 और 31 आई हुई है, माइनस के 9 है ना, 9 करिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखिएगा 4 है दोस्तों, 3 है, 2 है और 5 है, ठीक है, और प्लस के 14i कर देना है, ठीक है। आई की वैल्यू मैंने अभी बताया दोस्तों, 1 हो जाएगा, 0 0 1, ये आई की वैल्यू आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है, आई ऐसा इतना होता ही है, ठीक है। आइएगा दोस्तों, हम बात करना चाहेंगे इसमें 14 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे या इसी को हम r लिख देते हैं, यही में इसी में हम क्या कर रहे हैं, 14 का गुणा कर दे रहे हैं, यानी 14 0 0 14 आ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चले दोस्त, आगे चलना है तो हमें एक चीज़ और एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे इसको उड़ा करके हम बात बाकी अगला वाला लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, 66 हो जाएगा। अरे भैया 66 कैसे लिख दिए, ये तो गलत हो जाएगा, पूरे गलती कर रहे हैं आप, यहाँ पे 66 नहीं सर, भाई सोचूं इतना बड़ा डाटा कैसे आ गया भाई, 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी 22 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, 22 22 आइएगा, यहाँ पे भी लिखिएगा 22 ही रहेगा। एक जगह गलती होती है तो पूरा मतलब गलत हो जाता है, समझ सकते हो आप लोग। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, और कहीं भी गलतियाँ होंगी तो आप लोग बताइएगा। 18 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करिएगा दोस्तों, 9 चौक कितना होता है, 9 चौक 36 होता है ना, 36 9 चौक 36 96 36 9 चौक 36 चलिए, और 9 3 कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, 9 दूना 18 होता है, और 1 कितना होता है दोस्तों, 5 9 45 हो जाएगा,
और यहाँ पे प्लस कितना है दोस्तों, यहाँ पे है 14 0 0 14 है, ठीक है। सबसे पहले हमें जोड़ करना है दोस्तों। अब देखिएगा जोड़ हमारा कैसे होगा, जोड़ इसका इसके साथ करिएगा, इसका इसके साथ करिएगा, यानी 22 और 14 जोड़िएगा दोस्तों, यानी 4 2 6 हो जाएगा और 2 और 1 3 36 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्या रहेगा, 27 रहेगा ही, यहाँ पे 0 रहे 18 रहेगा ही। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 14 और देखिएगा 4 और 1 5 हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और माइनस करना है दोस्तों यहाँ पे 36 27 18 और 45 का, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 36 में से 36 चला जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। 27 में 27 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 18 में से 18 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 45 में 45 घटा देंगे, 0, यानी पूरी वैल्यू जो होगी हमारे पास 0 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमें पुट करना था, यही हमें दिखाना था दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों से, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। अब मैं आगे चलना चाहूँगा, 20 हो जाएगा तो 21 भी हो जाना चाहिए, ठीक है। 21 भी हो जाना चाहिए और यहाँ पे 22 भी हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्या है दोस्तों, 23 भी आप लोगों से हो जाना चाहिए। 23 को मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहूँगा, 23 जो है यहाँ पे दिखाऊंगा। जब क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, कोई क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा जो चीज़ें मैं बताया हूँ, ठीक है। पूछा गया दिखाइए समीकरण ए स्क्वायर, यहाँ पे दिखाया गया है, क्वेश्चन वही रहेगा कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i है, ठीक है, बराबर हमारा पास 0 है। तो दिखाना है तो ए मतलब तो का हल ए होगा, लिखा गया का हल ए होगा। तो ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है दोस्तों, ए बराबर हमारे पास कितना है, 3 है, 1 है और माइनस 1 है दोस्तों, और 2 है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम में आया हुआ, कब के किस समय आया है, 2006 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ सकते हैं कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए स्क्वायर की जैसे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, और ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे आती है, तो ए इंटू ए कर लेंगे दोस्तों, यानी बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने की बातें हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू है दोस्तों 3 है, माइनस 1 है और 1 है, 2 है, ठीक है। यही चीज़ तो है, अब इसका इंटू फिर से कर लेना है, 3 है दोस्तों, 1 है, माइनस के 1 है और 2 है। गुणा करेंगे जो भी हमारे पास डाटा आएगा, यहाँ पे इसको लिख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 डाटा आ जाएगा। सिंपल से हमें इस इक्वेशन में रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i। अब दोस्तों यहाँ पे करना है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है, माइनस के 5, ए की वैल्यू जो है दोस्तों इसको यहाँ पे लिख देना है, प्लस 7i की वैल्यू मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों 1001 होती है, ठीक है। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं 0 ही आने देखने को मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमें दिखाना था, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ का होमवर्क दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चन को जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलना चाहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों, 24 में आप लोग कुछ नहीं करना है, 24 में आप लोग कुछ भी नहीं करना है भाई, ठीक है। बस यहाँ पे जोड़ के परिवर्त कर देना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लूँ क्या, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा मेरे पास। मैं इन सारे क्वेश्चन को करा देता हूँ भाई। ए इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, 12 बजे यार खाना भी बनाना है ना। ये 2 1 दिया हुआ है, 4 है, 3 है और 5 है। और हमारे पास b की वैल्यू जो है दोस्तों, b बराबर हमें हमारे पास है क्या है, b बराबर ले लेते हैं 1 2 0 1 2 0 है, 0 1 2 है, 2 0 1 है, यही है हमारे पास। तो हमें दिखाना है, तो दिखाइए पहला है इसमें, तो दिखाइए इसमें पहला है दोस्तों, कहा गया है ए प्लस बी का परिवर्त। परिवर्त मैंने बताया है कैसे आता है, बराबर ए परिवर्त प्लस बी परिवर्त। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। दूसरा रहेगा दोस्तों इसमें, दूसरा है कि ए माइनस बी का परिवर्त करना है, और बराबर क्या है दोस्तों, ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले वाले को देखते हैं। सबसे पहले ए प्लस बी को करना है, ठीक है। ए प्लस बी का क्या करना है, फिर बाद में हम क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेगा एलएचएस में क्या है दोस्तों, ए प्लस बी का परिवर्त है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ए प्लस बी को कर लीजिएगा, उसके बाद हम पूरा जो आंसर आएगा उसका परिवर्त कर लेंगे। 1 है 3 है 3 है 2 है 1 है
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, प्लस करिएगा जो आएगा उसका परिवर्त करना, 1 2 0 0 1 2 2 0 1 है, ठीक है, आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, आप लोग जोड़ तो पता ही है कैसे जोड़ा जाता है चीज़ों को। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, जोड़ नहीं आता तो दिक्कत है आप लोग के लिए। 1 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोस्तों 3 और 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस वाली लाइन पे आइए, सिंपल से जो पहली लाइन सीख गया और दूसरी लाइन तीसरी लाइन तीनों को कर लेगा, ठीक है। 3 प्लस 0 करेगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 और 1 करेंगे, 1 और 2 करोगे 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों अब हमें इसका क्या कर देना है, परिवर्त कर देना। परिवर्त का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, उसका डैश कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पंक्ति, जो पंक्तियाँ हैं यानी ये पंक्ति है, इसको स्तंभ में खड़ा करा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 3 हो जाएगा दोस्तों। इसको भी लिखिएगा, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको भी लिखिएगा दोस्तों, पंक्ति जो है स्तंभ में लिखिएगा, 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ चुकी है, यानी ए प्लस बी का परिवर्त जो है LHS में हमारा आ चुका है। ये हमारा क्या है, LHS है। RHS में हमें कैसे निकालना है दोस्तों, सबसे पहले ए का परिवर्त कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या करना है हमें, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, सबसे पहले परिवर्त करके क्या करना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। परिवर्त कैसे किया जाएगा दोस्तों, जो पंक्ति है पहले ए वाले को लिखिएगा, पंक्ति जो है उसको स्तंभ में कर दीजिएगा, यानी 1 1 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आइएगा, 3 2 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 2 1 हो जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में कर देना है, 3 जो है दोस्तों इस पंक्ति को खड़े खंभे में खड़ा कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दूसरे वाले बी का भी परिवर्त करना है, यानी इसको पंक्ति जो है दोस्तों इसको स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पंक्ति को स्तंभ में करिएगा, 0 1 2 हो जाएगा। इस पंक्ति को स्तंभ में करिएगा दोस्तों, तो 2 0 1 हो जाएगा, ठीक है, आएगा। इसको ऐड करिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 और 1 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए 3 प्लस 0 करोगे दोस्तों, 0 3 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ोगे, 4 और 2 4 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, ठीक है, आएगा। 2 और 1 कर दोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 और 1 करोगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 0 करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। 3 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए 5 और 1 कर दोगे दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो देख सकते हो आप लोगों के पास LHS बराबर RHS आ गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा RHS है। यानी यहाँ पे लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS। अब इसमें आप लोगों का जो दूसरा है दोस्तों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। SW यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क करके आप लोगों को कर लेना है, ठीक है, आइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं दोस्तों, अब मैं आगे की ओर चलना चाहूँगा। यहाँ पे साखंड एडजॉइंट आप ये निकालने के लिए पूछा गया है। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, इसमें कहा गया है सममित अव्यू है, सममित मतलब जो सारे सममित है, चलेगा। 25 तक आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों, 25 तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 25 में नहीं कराएगा, 24 था भाई ये, एक क्वेश्चन जो है 24 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइएगा 25 भी कर लेते हैं भाई, छोटा सा है, 25 वाला भी कर लेते हैं, 25 वाला छोटा सा है, इसके बाद हम अपने अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ए इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, यदि ए इक्वल टू 2 4 5 6 है तो सिद्ध कीजिए, यहाँ पे लिखा गया तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए डैश एक सममित अव्यूह है। चलिए देखते हैं क्या सममित अव्यूह है या नहीं है। देखिएगा सबसे पहले a प्लस ए डैश करिएगा,
ए प्लस ए डैश करना है। ए डैश का मतलब परिवर्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो है दोस्तों, पाँच है, चार है, छः कर दीजिएगा और ए डैश करिएगा। सबसे पहले पंक्ति जो है इसको स्तंभ में कर दीजिएगा। यहाँ पे दो हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा और यहाँ पाँच हो जाएगा, यहाँ पे छः हो जाएगा। पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर देना, उसका मतलब होता है परिवर्त। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, दो और दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा दोस्तों, और पाँच और चार कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा दोस्तों। और देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, पाँच चार कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा दोस्तों, और ये छः और छः कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सममित अवयव है या नहीं है। अच्छा, सममित अवयव क्या होता है दोस्तों, इसको बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलेगा, मैं आज के लिए इतना ही रखूँगा भाई, अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कोर्स की जो फीस रहेगी दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, कोर्स की जो फीस होती है हमारे यहाँ केवल और केवल 199 रुपये होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे आप लोग फाइनल ईयर तक पढ़ोगे तो केवल और केवल यही आप लोगों का जो फोर्थ सेमेस्टर होता है दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर में ही आप लोगों का जो कोर्स की फीस होगी 249 रुपये रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत बड़ा इसका लेंथी सिलेबस है, इसलिए मैं इसका इतना फीस रखा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे 199 रुपये में दे रहा हूँ, आप लोग बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे इसलिए मैंने किया, नहीं तो इसकी भी प्राइस आप लोगों की बढ़ने वाली थी। ठीक है, देख रहे हैं आप लोगों का सिलेबस कितना लंबा है भाई। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना रखा जाएगा, मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।